नमस्कार दोस्तों, चंद्र आईएएस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः तह दिल से मैं स्वागत करता हूं। और आइए अपने बिंदु से हम जुड़ जाते हैं सभी लोग। वर्ण विचार का जो पार्ट हम सभी लोग पढ़ चुके थे, नेक्स्ट उसका अगला वाला पार्ट हम सभी लोग आज पढ़ेंगे, देखते हैं। और जो मैं जिक्र किया था वर्ण विचार में, लास्ट सेशन जो वो पार्ट पढ़ा था उस पर मैं नुक्ता वगैरह जो ताड़न जात वगैरह थे, अनुसार थे, पंचमाक्षर के चिन्ह वगैरह थे, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में सभी लोग पढ़ लिए थे हम सब लोग। अब आगे जो चर्चा हम करने जा रहे हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, क्या स्पर्शी व्यंजन क्या होगा दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्शी व्यंजन का जो दूसरा नाम होगा उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? और वर्गीय व्यंजन, क्या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या स्पर्शी व्यंजन और दूसरा नाम इसका क्या होता है? वर्गीय व्यंजन होता है। क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। और क्या होता है? वर्गीय व्यंजन। आइए देखते हैं हम सभी लोग स्पर्शी व्यंजन। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार UPSI में, यानी पुलिस उपनिरीक्षक में, क्या कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं टोटल, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्त? तो आइए देखते हैं। पहला हमारा जो होगा क्या, कै वर्ग। दूसरा क्या होगा? चय वर्ग होगा दोस्तों। क्या होगा? चय वर्ग होगा। तीसरा क्या होगा? टय वर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों? पहला कै वर्ग, दूसरा चय वर्ग, तीसरा टय वर्ग, और चौथा जो हमारा होगा क्या होगा दोस्तों? तय वर्ग। क्या दोस्तों? तय वर्ग। और लास्ट का जो होगा दोस्तों क्या होगा? पै वर्ग होगा। क्या होगा? पै वर्ग। देखिए, पहला जो हमारा वर्ग होगा क्या होगा? कै वर्ग, दूसरा चय वर्ग, तीसरा टय वर्ग, चौथा तय वर्ग, और पांचवा जो होगा दोस्तों क्या होगा? पै वर्ग होगा। क्या होगा? पै वर्ग होगा। अब इसी के आधार पर पिछली बार पुलिस उपनिरीक्षक में प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन दो होते हैं दोस्त, वो टोटल उनको वर्गों के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? तो अगर स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की बात करें तो वर्ग के आधार पर इसको कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों? पाँच प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? यानी स्पर्शी व्यंजन में जो वर्गों का आधार दिया गया है, वर्गों के आधार पर बांटा गया है, वर्ग के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों? पांच प्रकार में बांटा गया है। आइए हम देखते हैं कै वर्ग में क्या आएगा। तो कै, खै, गै, घै, और क्या दोस्तों? अंगा। फिर इसमें चय वर्ग में क्या आएगा दोस्तों? चे, छे, जय, झय, और क्या होगा दोस्तों? यह होगा। टय वर्ग में क्या होगा? टै, ठै, डै, ढै, अड़ा। एक चीज़ पुनः मैं बात दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्या कि जो यहाँ टै वर्ग मैंने लिखा है, टै वर्ग में क्या आते हैं? टै, ठै, डै, ढै, टै, ठै, डै, ढै। तो इसके नीचे आप लोग क्या उच्छिप्त या ताड़न जात का चिन्ह नहीं लगाएंगे कभी भूल कर भी। अगर उच्छिप्त लगा दिए यानी ताड़न जात का चिन्ह लगा दिए, क्या अगर इसके नीचे बिंदी लगा दोगे तो ध्यान से सुनना, तभी स्पर्शी व्यंजन नहीं होगा दोस्त। गलती से भी इसके नीचे बिंदी का प्रयोग मत करना स्पर्शी व्यंजन में। अगर इसके नीचे बिंदी का प्रयोग कर दोगे दोस्त तो ये हमारा उच्छिप्त या द्विगुणिक या ताड़न जात व्यंजन कहलाने लगेगा। यानी स्पर्शी व्यंजन में इसके नीचे हम बिंदी का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे दोस्त। और तय वर्ग में क्या आएगा? तय, थै, दै, धै, और क्या दोस्तों? न। फिर क्या आता है पै वर्ग में? पै, फै, बै, भै, और क्या आता है दोस्तों? माँ आता है। कितना आता है? माँ आता है। अगर आप सभी लोगों से पूछे जाए कि टोटल स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हम सभी लोग किस विकल्प का चयन करेंगे दोस्त? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है? पाँच होती है। कितनी होती है दोस्तों? पाँच होती है। अब आइए, क्यों इसको स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहा गया? यह हमारा कहने का आशय ये था, क्यों इसको कहा गया
कि हमारे हिंदी वर्णमाला में अस्पर्शी व्यंजन जो होते हैं इनको पांच वर्गों में बांटा गया। क्यों इसको कहा गया कि पांच वर्गों में बांटा गया, ध्यान से सुनना। जो ये है पांच वर्गों में बांटे गए इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ग में क्या, प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण आते हैं, कितने कितने वर्ण आते हैं दोस्तों, पांच। देखिए एक दो तीन चार, क्या दोस्तों, पांच। एक दो तीन चार पांच, प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण आते हैं, पांच। यहाँ भी एक दो तीन चार पांच, ऐसे हर प्रकार में एक दो तीन चार पांच, ऐसे इसमें भी एक दो तीन चार पांच, ऐसे इसमें भी ऐसे ऐसे पुनः आगे आवृत्ति होती रह रही है। हर प्रकार के वर्ग में कितने वर्ण हैं दोस्तों, पांच पांच हैं, उसी के आधार पर पांच वर्गों में डिवाइड किया गया। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा क्या, अभी जो हम और यहाँ व्यंजन लिख रहे हैं, क्यों इनको वर्गों में नहीं रखा गया? जैसे दोस्तों क्या, य र ल व, य र ल व। अब देखिए इसमें एक वर्ण कम है, ये कितनी, इनकी संख्या टोटल चार है, इनकी संख्या कितनी है, चार है, य र ल व, इसीलिए इनको वर्गों में नहीं रखा गया। और इनका नाम दोस्तों आ जाता है क्या, अंतस्थ व्यंजन। क्या दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। और इसी पर एक आ जाता है क्या दोस्तों, क्या क्या दोस्त, से से से। और क्या दोस्तों, है से 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 है। इनका तीनों का उच्चारण स्थान अलग है, मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार, दंत्य सकार। और दोस्तों हल यानी जो है, मैंने यहाँ लिखा है को कहीं कहीं अलीजिहवा भी कहा जाता है, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी है को क्या कहा जाता है, अलीजिहवा भी। लेकिन इन चारों का पर्याय जब एक साथ होगा तो हम इसका क्या नामकरण दे देते हैं दोस्तों, क्या, ऊष्म। क्या दे देते हैं दोस्तों, ऊष्म दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ऊष्म। आइए देखते हैं, ये चीज़ें हमें पता चल गई कि स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं, और हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार होते हैं, और उस व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। जब ये चार चार को हम ऐड करेंगे दोस्तों, चार ए, इनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल आठ हो गई। लेकिन जब हम स्पर्शी व्यंजन में इन्हीं को आठ को ऐड करेंगे दोस्तों, क्या, स्पर्शी प्लस अंतस्थ प्लस उष्म, जब आठ इसमें ऐड करेंगे तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो, आठ पाँच तेरह और दो ये कितनी दोस्तों, तीन। तो हम सब लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार में सदैव ये भी पाते हैं कि हमारे हिंदी व्याकरण में यानी वर्णों में सदैव जो मूल व्यंजनों की संख्या होती है, क्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। क्या मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो सदैव हम कितना लगा के आंसर आएंगे, 33। कितना, 33। आइए आगे देखते हैं और इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न निकल के आते हैं दोस्त। देखिए क्या, अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा अंतस्थ, क्या, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ के और नामकरण आलेख दिए जाते हैं अलग अलग करके, य र ल व के, ध्यान से सुनना, क्या, य र ल व, सभी को टोटल मिला देंगे तो हमारे अंतस्थ व्यंजन निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ भी पर्याय इनका शाब्दिक अर्थ अलग अलग नामकरण दिया गया है दोस्तों। यहाँ अगर अलग अलग निकालेंगे यानी या और वा को क्या कहेंगे दोस्तों, अर्धस्वर भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर को। अगर हम या और वा को अलग से बात करेंगे यानी या और वा को, इन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों, अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। और कहीं कहीं जब अर्धस्वर का जिक्र नहीं किया जाएगा तो दोस्तों इसका दूसरा नाम, ध्यान से सुनिएगा, इसका दूसरा नाम संघर्षहीन भी होता है। क्या, संघर्षहीन भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, संघर्षहीन कहा जाता है। संघर्षहीन इसलिए कहा जाता है या और वा को, या अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है इसको, जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है, क्या, जिह्वा होती है, इनका उच्चारण करने में हमारे जिह्वा के द्वारा
हमारे मुख के जो भाग होते हैं हमारी जीवा कहीं टकराती नहीं है, बड़े आसानी से इनका उच्चारण हम कर बैठते हैं, ना तो ज़्यादातर वायु निकालनी पड़ती है मुख से, ना तो ज़्यादा कोई समस्या होती है, संघर्षहीन इसको उच्चारण करने के लिए ज़्यादा किसी मशक्क़त की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों, संघर्षहीन रखा गया है। आइए रा को क्या कहते हैं, क्या रा को दोस्तों कहते हैं क्या लुंठित, क्या लुंठित, या इसका दूसरा नाम कहीं कहीं देखने को मिल जाता है दोस्त क्या प्रकंपित, क्या प्रकंपित दोस्तों, पाठ्य सामग्री में कहीं कहीं रय का उल्लेख मिल जाएगा, रय को क्या कहते हैं लुंठित या क्या दोस्तों कहते हैं प्रकंपित कहते हैं। और ला को क्या नाम देते हैं दोस्तों, क्या ला को क्या कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्या दोस्तों कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ला को क्या कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और सुनना, इन चारों को मिला देंगे तो अंतस्थ व्यंजन अलग अलग नामकरण करेंगे जैसे मैंने यहाँ उल्लेख किया। आ जाइए जो उस व्यंजन यहाँ मैंने जिक्र किया दोस्त, क्या उस व्यंजन का जो मैंने जिक्र किया है, आखिर इसको उस में ही क्यों कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्त, जैसे मैंने लिखा ये 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 और क्या ये, जो तीनों सकार हैं मूर्धन सकार दंत सकार तालव्य सकार और है को सदैव उसमें ही कहा क्यों जाता है, इसका नाम उसमें व्यंजन क्यों पड़ा, ध्यान से एक बार सुनिएगा सभी लोग, क्या उस व्यंजन इनका नाम इसलिए पड़ा जब हम इनका उच्चारण करते हैं, क्या जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है ऊपर जाकर हमारे मूर्धन में, क्या मूर्धा में टकराती नहीं है, थोड़ा उसमें स्पेस रहता है, लेकिन जब इनका उच्चारण करते हैं वहाँ स्पेस जब कम होता है तो वहाँ जो वायु हमारी निकलती है फेफड़े के द्वारा जो वायु निकलती है इनका उच्चारण करने में, कम स्पेस में ज़्यादा वायु जब निकलेगी, क्या कम स्पेस में जब ज़्यादा वायु निकलेगी तो वहाँ दोस्तों ऑटोमेटिक क्या होगा घर्षण होगा, क्या होगा घर्षण होगा। और जब कहीं घर्षण होता है दोस्तों तो अतिवश्य वहाँ उष्मा उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात जैसे मैं यहाँ बोर्ड के सामने खड़ा हूँ यहाँ अंगुली जब रगड़ूंगा तो यहाँ क्या होगा दोस्तों घर्षण होगा, और जब घर्षण होगी तो वहाँ क्या होगी दोस्तों उष्मा उत्पन्न होगी, उसी के स्थान पर या उसी के पर्याय पर उसका नाम क्या पड़ गया उस व्यंजन पड़ गया दोस्त। आइए आगे देखते हैं हम और प्रकार की क्या चीज़ें होती हैं फटाफट, क्या ये हो गए हमारे नामकरण इसके दोस्तों। आइए देखते हैं और चीज़ें क्या है यहाँ, क्या आइए देखते हैं आगे। अब हम दोस्त यहाँ पढ़ेंगे क्या कंपन के आधार पर, क्या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, क्या दोस्त अगर पूछा जाए कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है तो नंबर हमारे कितने आ जाएंगे दो, एक क्या होगा दोस्तों अघोष होगा और दूसरा क्या होता है दोस्तों सघोष होता है, क्या एक होता है अघोष और दूसरा क्या होता है दोस्तों सघोष होता है। अब देखिए यहाँ घोष का मतलब क्या होता है दोस्तों कंपन, याद रखिएगा अगर ना याद हो तो घोष का पर्याय किससे निकलता है दोस्तों कंपन से, घोष को ही क्या कहा जाता है दोस्तों कंपन, यहाँ भी घोष यहाँ भी घोष, यहाँ स उपसर्ग यहाँ अ उपसर्ग, अ उपसर्ग का मतलब क्या होगा दोस्तों नहीं, यानी जहाँ घोष का मतलब क्या निकाले हम कंपन, जहाँ कंपन ना हो यानी न के बराबर हो थोड़ा बहुत हो उसे अघोष कहा जाएगा, यानी जहाँ साथ में, क्या साथ या सहित, स उपसर्ग का अर्थ निकाले साथ या सहित के रूप में, और घोष का पर्याय किस में लेंगे दोस्तों कंपन में लेंगे, किस में लेंगे दोस्तों कंपन में लेंगे, यानी जहां साथ में कंपन हो वो क्या होगा सघोष होगा। याद रखिएगा कहीं कहीं पुस्तक में जिक्र मिल जाता है सघोष का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों घोष भी जिक्र किया गया है, क्या सघोष का दूसरा नाम क्या दोस्त कहा गया है घोष भी कहीं कहीं मिलता है, याद रखिएगा इतना। अब याद कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा अघोष है, क्या अघोष प्रत्येक वर्ग का, जो भी हम क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग पढ़े थे तो याद रखिएगा, क्या प्रत्येक वर्ग का, क्या प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला
और दूसरा वर्ण क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण सदैव क्या होगा दोस्तों, सदैव क्या होगा, अघोष होगा। क्या होगा दोस्तों, अघोष होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण सदैव क्या होगा दोस्तों, अघोष होगा। और याद रखिएगा उसके साथ साथ क्या, उसके साथ साथ क्या, स स और क्या दोस्तों, स क्या मैंने लिखा, स स स सॉरी दोस्तों, क्या यहाँ तालब्य सकार दंते सकार, यहाँ क्या मैंने लिख दिया मूर्धन्य सकार। अब देखना ये जो हमारे अघोष थे जिसमें कंपन नहीं होता है, अगर हम कहें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण सदैव क्या होगा, अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का, तो हमारे स्पर्शी व्यंजन में वर्णों को कितने वर्गों के आधार पर बांटा गया है, पाँच। जब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा है कितने दोस्तों, पाँच। तो पाँच दूना कितना करेंगे तो हो जाएगा दस, क्या पाँच दूना करेंगे तो हो जाएगा दस, और तीन ये हुए दोस्तों, तो ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तेरह। कितने हो जाएंगे दोस्तों, तेरह हो जाएंगे। यानी अघोष अगर पूछे कोई इनकी संख्या कितनी होती दोस्त, तो हम सभी लोग किस विकल्प का चयन करेंगे, तेरह का। आइए सघोष में देखते हैं दोस्तों, जब पहला और दूसरा निकाल दिए तो बचा क्या, तीसरा चौथा पांचवा, क्या तीसरा चौथा और पांचवा। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे, क्या इसमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और क्या दोस्तों, पांचवा, क्या तीसरा चौथा पांचवा और क्या दोस्त। एक चीज याद रखिएगा और क्या, इसमें य र ल व, यानी क्या इनका नाम दिया गया था दोस्तों, अंतस्थ, क्या अंतस्थ प्लस, क्या प्लस सभी स्वर, सभी स्वर जितने होंगे दोस्तों उनकी चर्चा हम किसमें करेंगे, सघोष में। किसमें करेंगे, सघोष में। सघोष में क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और क्या अंतस्थ व्यंजन, या र ल व और क्या दोस्तों, देखो सभी स्वर, क्या सभी स्वर आएंगे, इतना याद रखिएगा। और एक चीज ये भी बता दे रहे हैं, कहीं कहीं अंतस्थ व्यंजन के साथ, अंतस्थ व्यंजन के साथ है का भी जिक्र किया जाता है, क्या दोस्तों है का भी जिक्र किया जाता है, तो याद रखिएगा है भी होता है, क्या है भी होता है, और सभी स्वर। अब अगर हम देखें इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो हमारे स्पर्शी व्यंजन में उनको वर्गों का कितना आधार बांटा गया है, तो पाँच, तो तीन है तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तो पाँच तिहाई कितने हो जाएंगे, पंद्रह। और देखिए हमारे अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये हो गए चार, और है हो गया क्या पाँच, तो ये पाँच हो गए, तो टोटल इनको मिला दिए कितने हो गए दोस्तों, बीस हो गए। और जब सभी स्वर मिलाओगे, सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं दोस्तों हमारे, ग्यारह, तो ग्यारह जब ऐड करोगे दोस्तों, यानी हमारा कहने का आशय ये हुआ, कोई पूछे सघोष की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो सघोष की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इकतीस होती है। कितनी होती है, इकतीस होती है। इतना सा इसका भी, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही समझिएगा दोस्त, रटनेंगे नहीं हम सभी लोग, समझ के पढ़ेंगे। आइए हम आगे देखते हैं, एक बार इसके आगे जो चर्चा कर रहे हैं वो चीज़ें क्या होंगी दोस्तों, आइए देखते हैं आगे क्या, आगे देखते हैं दोस्त। अब क्या हम, अगर आप सभी लोगों से पूछें दोस्त, क्या प्राण वायु के आधार पर, क्या दोस्तों प्राण वायु के आधार पर सदैव व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्त, क्या प्राण वायु के, क्या प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण,
प्राण वायु के आधार पर मतलब ये हुआ दोस्त, आप सभी लोग पुस्तक में बहुत भली भांति परिचित होंगे और ये चीज़ यहाँ भी पता चल जा रही है आपको सभी को अच्छे से कि प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है दो प्रकार से बांटा गया है। आइए देखते हो कौन कौन से। एक होता है क्या दोस्त, अल्प प्राण, और एक दूसरा क्या होता है दोस्तों, महाप्राण। क्या? महाप्राण दोस्त। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है दोस्तों, महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होगा, अल्प का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा, और प्राण का मतलब वो जान नहीं होगा, प्राण का मतलब वायु होता है। क्या? प्राण का मतलब क्या होता है दोस्तों, वायु। और महा का मतलब यहाँ तात्पर्य अधिक से निकालेंगे, यानी प्राण का मतलब क्या दोस्तों, वायु। यानी वे व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय साथी हमारे फेफड़े के द्वारा, क्या, हमारे फेफड़े के द्वारा कम मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, वायु बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण नाम दिया गया है। और महाप्राण दोस्तों जिन ध्वनियों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़े के द्वारा ज़्यादा मात्रा में, यानी अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है साथियों, वही क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। आइए देखते हैं हम इसको याद करने का तरीका। जो हमारा अल्प प्राण होगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा सभी विद्यार्थीगण, जो हमारा अल्प प्राण होता है, क्या अल्प प्राण, हम रटेंगे नहीं चीज़ों को, सदैव जो अल्प प्राण होते हैं इतना सा याद रखना है कि अल्प प्राण क्या होते हैं दोस्तों, विषम होते हैं। हमारा कहने का आशय, हम लोगों को गिनती बहुत अच्छे तरीके से आती है और सदैव हम सम विषम जानते भी हैं। अल्प प्राण जो होते हैं विषम होते हैं। विषम का मतलब जो इसमें होगा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा या क्या दोस्तों, पचवां। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पचवां, या हम ट्रिक के रूप में यहाँ लिख दें दोस्तों, एक, तीन, पाँच। क्या? एक, तीन, पाँच, 135। देखिए ये विषम संख्याएं हैं, एक, तीन, पाँच, ये उसी से कटेंगी। यानी जो अल्प प्राण होगा विषम संख्या होती है, एक, तीन, पाँच। किसी भी वर्ग का, क्या, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है दोस्तों, अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और याद रखिएगा, जैसे ही हम अभी क्या पढ़े थे, अघोष और सघोष पढ़े थे, तो वो चीज़ें कैसे कहाँ चली आती हैं अल्प प्राण में, अब आपकी क्या आ जाएंगी दोस्त, याद रखिएगा, क्या, या, र, ल और क्या दोस्तों, व। क्या? या, र, ल, व, ये क्या हो गए हमारे, अंतस्थ हो गए। क्या हो गए? अंतस्थ हो गए। और हमारा कहने का आशय ये हुआ, क्या, सभी स्वर, क्या दोस्तों, सभी स्वर भी किसमें आएंगे साथी, क्या, सभी स्वर किसमें आएंगे हमारे, अल्प प्राण में आ जाते हैं दोस्तों। किसमें आ जाते हैं? अल्प प्राण में आ जाते हैं। तो याद करिए, जब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। अगर इनकी संख्या हम निकालना चाहें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो ऐसे पाँच में पाँच में 15 हो गए, और सुनो, और सभी स्वर, और ऐसे यहाँ क्या, यार अलावा, यानी अंतस्थ को गिन लेंगे, इनकी संख्या आ जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ क्या, महाप्राण। जो महाप्राण होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, सम होता है। अब संख्या जानते हो, सम संख्या में क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरा और चौथा। हम ट्रिक के रूप में लिखें तो क्या दोस्तों, दो, चार, यानी 24। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सदैव क्या कहलाता है दोस्तों, महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। पुनः बातों का दोहरान कर रहा हूँ सभी विद्यार्थीगण, ध्यान दे क्या, कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमेशा क्या होगा, महाप्राण होगा दोस्तों। क्या होगा? महाप्राण होगा। और हम देखेंगे इसमें क्या, जो ऊष्म थे, क्या ऊष्म व्यंजन यहाँ आ जाते हैं, से, से और क्या दोस्तों, से और क्या इसमें आएगा, है दोस्तों। क्या आएगा? है। अगर कोई पूछे महाप्राण की संख्या कितनी होती है साथी, तो चित्त विचलित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, और वर्गों की संख्या कितने आधार पर बांटी गई है, स्पर्श व्यंजन पाँच मैं जिक्र करते चला आ रहा हूँ शुरू से, तो पाँच, ये कितना, दो और चार, तो पाँच दूना 10, और ये चार जब ऐड करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? चौथा। क्या?
14 सॉरी क्या 14 महाप्राण की संख्या अगर पूछ ले तो 14 होगी। अब इसी प्रकार यहाँ अगर हम सभी लोग निकाल लेंगे कि अल प्राण की संख्या होगी तो किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा तो 3 ये हैं, और 5 वर्गों के आधार पर तो 3 × 5 = 15 वो हो गए। और देखिए यहाँ कितने हैं, क्या 2 और 2 = 4, 15 × 4 कितना हो गए दोस्तों 19, और सभी स्वर हमारे कितने होते हैं दोस्त 11 होते हैं दोस्तों, 9 × 1 = 10, हाथ लगे 1 1 1 2 और कितने हो गए दोस्तों 30। अगर कोई पूछे अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है दोस्त, तो हम सभी लोग किस विकल्प का चयन करेंगे दोस्तों 30 होती है। कितनी होती है 30 होती है अल्पप्राण की संख्या, और महाप्राण की संख्या कितनी होती है दोस्तों 14 होती है। आइए हम आगे अब देखते हैं इसी प्रकार आगे क्या होगा दोस्त, क्या आगे देखते हैं दोस्त, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें मस्तिष्क पटल पर हमारे हमेशा के लिए छा जाएं, चीज़ें भूलना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है, आराम आराम से हम सभी लोग पढ़ेंगे, व्याकरण को शीघ्रता बस ख़त्म नहीं करेंगे, आराम आराम से धैर्य पूर्वक अपने जहन में उतारने का प्रयास करेंगे, सदैव कंसेप्ट को क्लियर करना, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। आइए हम आगे देखते हैं क्या कि जो हमारे उच्चारण के स्थान पर, क्या यानी उच्चारण के आधार पर, क्या दोस्त उच्चारण के आधार पर, क्या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्त, क्या मैंने लिखा यहाँ हेडिंग डाला दोस्त, ध्यान से लिखिएगा सभी लोग, क्या ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से देखिएगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का अगर वर्गीकरण पूछ ले तो सदैव गलत मत करिएगा मित्र। आइए देखते हैं सदैव क्या इसमें क्या होता है दोस्तों, हम प्रकृत वर्ग को बांट देंगे, एक होता हमारा क्या कंठ, पहला क वर्ग का था तो कंठ नाम दिया मैंने कंठ, दूसरा क्या होगा दोस्तों तालव्य होगा, क्या होगा दोस्तों तालव्य होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा मूर्धन्य, जिसको हम कहते हैं मूर्धा, क्या कहते हैं मूर्धा। याद रखिएगा अगर कहीं कहीं उच्चारण स्थान के आधार पर ये चीज़ें ना दे कंठ तालव्य मूर्धा, तो वहाँ कंठ दे देगा तालु दे देगा मूर्धा दे देगा, तो चीज़ें मैं किसमें लिख रहा हूँ कंठ तालव्य मूर्धा और क्या दोस्तों दंत, क्या कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत और क्या दोस्तों ओष्ठ, क्या ओष्ठ, क्या लिख दिया मैंने ओष्ठ लिख दिया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब जब हमने कंठ का नाम लिया तो याद रखिएगा कंठ में हमारे क्या आएंगे ए, ए, क्या ए, ए, और दोस्तों क्या आएगा क वर्ग, तो क वर्ग जाहिर सी बात है हमें पता चल चुके थे क वर्ग होगा, और क्या होगा दोस्तों विसर्ग होगा, क्या होगा दोस्तों विसर्ग होगा, कंठ में क्या होंगे ए ए क वर्ग और क्या होंगे विसर्ग होंगे, और हमारे तालव्य में क्या होगा तालव्य में ई दीर्घ ही, और क्या हम लिखे थे दोस्तों वहाँ च वर्ग, क्या क्या दोस्तों च वर्ग के साथ साथ याद रखना दोस्तों क्या ये और क्या ये सकार जो होता है सलजम वाला सा, इसको तालव्य सकार नाम दिया गया दोस्तों, क्या तालव्य सकार। आइए जो मूर्धा में हम पढ़ते हैं क्या, जिनका उच्चारण स्थान हम मूर्धा के रूप में ना लेकर मूर्धन्य के रूप में देखते हैं, मूर्धन्य में क्या आता है दोस्त याद रखिएगा मूर्धन्य में क्या आएगा र, क्या आएगा र आएगा मूर्धन्य में, और क्या आएगा ट वर्ग, क्या आएगा दोस्तों ट वर्ग आएगा, और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को पता भी होंगे मूर्धन्य सकार भी मूर्धा में आता है, और इसके बाद क्या आता है दोस्तों री भी कहाँ आता है दोस्तों मूर्धन्य में आता है, किस में आता है मूर्धन्य में आता है। आइए देखते हैं दंते में क्या, दंते में क्या होंगे दोस्तों, दंते में हमारे जो आते हैं दोस्तों याद रखिएगा ल करके इसके नीचे री बना दिए ये लिरी कहलाता है, लिरी आएंगे और क्या आएगा दंते में, क्या दोस्तों दंते में क्या आएगा त वर्ग, क्या आएगा त
तय वर्ग। और हम कह सकते हैं दोस्तों ल, और क्या आता है इसमें, दंते सकार आता है। मित्रों क्या आता है, दंते सकार आता है। इतना सा मस्तिष्क पटल में ऐसे ही छाप लीजिएगा, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे कहीं प्रकार की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या हमारा कहने का आशय यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, कोई भी प्रकार की परीक्षा हो, पेट के एग्जाम हो, हर प्रकार के एग्जाम में बहुत ही सहायक प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं ओष्ठ में क्या, ओष्ठ में जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं हमारे, उ और क्या दीर्घ, दोस्तों क्या उ और दीर्घ, इसमें और क्या हम लिखेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनना। जब हम यहाँ दंते में लिख दिए तय वर्ग, अब हमारा बचा क्या है दोस्तों, पै वर्ग। क्या, पै वर्ग, और क्या होगा दोस्तों, पै वर्ग किस में जाएगा हमारा, ओष्ठ में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, ओष्ठ में जाएगा, जाहिर सी बात है। अब एक चीज़ ये देखिएगा आप सभी लोग, एक चीज़ और यहाँ देख लीजिएगा सभी लोग, सदैव संशय में मत रहिएगा। क्या, हम लोग कभी काल जब बैठते हैं पुस्तक लेके, या हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, सदैव संशय में पड़ जाते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्या, कंठ तालव्य, क्या दोस्तों, कंठ तालव्य कहीं कहीं सामने आ जाते हैं हमारे, तो कंठ तालव्य में सदैव हम क्या रखते हैं दोस्तों, ए, और क्या दोस्तों, ए, ए, ए हम कहाँ रखते हैं, कंठ तालव्य में रखते हैं। और कंठोष्ठ है, गलती मत करिएगा, क्या, कंठोष्ठ है, तो कंठोष्ठ में क्या आ जाते हैं दोस्तों हमारे, ओ, और क्या आ जाते हैं दोस्तों, औ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों, कंठोष्ठ में क्या आ जाते हैं, ओ, और क्या आ जाते हैं दोस्तों, औ आ जाते हैं। और देखिएगा हमारा कहने का आस ये था दोस्तों, दंतोष्ठ है, क्या, दंतोष्ठ है, क्या, दंतोष्ठ में हमारे क्या आते हैं, तो हमारे दंतोष्ठ में क्या आता है दोस्तों, वह आता है। क्या आता है दोस्तों, वह आता है। और हमारा कहने का आस ये है, अगर आप सभी लोगों से पूछ ले अली जिहवा, क्या, अली जिहवा दोस्तों, अली जिहवा में क्या आता है दोस्तों हमारा, है वर्ण, हमारा किस में आता है दोस्तों, अली जिहवा में आता है। किस में आता है, अली जिहवा में। और एक चीज़ देखिएगा दोस्त, क्या, अगर पूछ ले नासिका, नासिका, तो नासिका में हमारा जो आएगा क्या आएगा, अंग आएगा। क्या आएगा, अंग, यानी इसके ऊपर मैंने क्या प्रयोग किया, अनुसार। नासिका में पूछ ले तो क्या ये आएगा, अंग, यानी जहां अनुसार मैंने प्रयोग कर दिया। एक बार पुनः बातों को रिपीट कर रहा हूं, फटाफट ध्यान से सुनिएगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण होगा, तो यहाँ कितने हो गए, दो, दो चार, एक कितने हो गए, पाँच हो गए, इसके भी पाँच हो गए। और कंठ में सदैव अ, अ, क वर्ग, विसर्ग आता है। तालब्य में सदैव ई, ई, च वर्ग या स आता है। मूर्धन्य में क्या आता है दोस्तों, देखो, क्या, र, ट वर्ग, मूर्धन्य सकार रि आता है। दंत में लि, त वर्ग, और क्या, ल, स आता है। ओष्ठ में उ, उ, प वर्ग आता है। और कंठ तालब्य में ए, अ, कंठोष्ठ में ओ, औ, दंतोष्ठ में दोस्त व, और सुनना, अलिजिहवा जो है कौन सा वर्ण कहलाता है हमारा, हा कहलाता है। याद रखिएगा कुछ मोटी मोटे, और यहाँ हम थोड़ा जिक्र कर दे रहे हैं कुछ विशेष तथ्यों को, याद रखिएगा सदैव। क्या, देखो इसको हम चल रहे मिटाने, अब आगे चलते हैं सदैव, क्या चीज़ हम लोगों को और पढ़ने हैं। तो सदैव कुछ चीज़ें हमारे मस्तिष्क पटल में रहनी चाहिए, और एग्जाम सदैव आ रहे हैं, अब एग्जाम में टफ चीज़ें पूछी जा रही दोस्त। क्या, सारी की सारी चीज़ें माइनरी पूछी जा रही हैं, तो इसलिए हमें याद करना चाहिए, सभी लोगों को मिल के पढ़ना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि हमें उम्र भर पढ़ना है, दो चार एक साल मेहनत कर दो ताकि ज़िंदगी संवर जाए। देखिए आइए आगे हम देखते हैं सदैव क्या, हमारे एक होते हैं दोस्तों क्या, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दोस्तों, क्या, संयुक्त व्यंजन अगर पूछा जाए तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों टोटल चार होती है। कितनी होती है, और पिछले वाले जो टॉपिक हम सभी लोग पढ़े थे उसमें दोस्त संयुक्त स्वर की संख्या भी मैं जिक्र किया था, कितने होंगे, चार होंगे। और संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं दोस्तों, चार होते हैं।
वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्या छ, त्र, ज्ञा और क्या दोस्तों? स्रा। क्या दोस्तों? छ, त्र, ज्ञा और क्या दोस्तों? स्रा। अब ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं चार, छा, त्र, ज्ञा, स्रा, याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए किससे किससे मिलकर बनेगा छा, यत्रा, यज्ञा, ये दो वर्णों का समूह है। याद रखिएगा, ये जो छह है इसमें एक स्वर होगा। क्या? एक स्वर होगा, एक क्या होगा? व्यंजन होगा। यानी एक वर्ण आधा होगा, एक वर्ण क्या होगा? पूरा होगा। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, छह हमारा जो बनता है वह कै और मूर्धन्य सकार से मिलकर बनता है। किससे बनता है? कै और मूर्धन्य सकार से। जो त्रय होता है आधा तय और इस रय से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? त्र बनता है। और जो हमारा ज्ञा बनता है वो किससे मिलकर बनता है? जय और किससे दोस्तों? यहाँ से मिलकर बनता है। जो स होता है वो तालब्य सकार और क्या दोस्तों? क्या? तालब्य सकार और र से मिलकर बनता है। क्या? तालब्य सकार और र से। यानी छ हमारा कैसे से, त्र तैर से, ज्ञा जय या से और स्रा जो होगा तालब्य सकार और किससे बनता है दोस्तों? र से मिलकर बनता है, तालब्य सकार और र से। और आइए चीज़ें देखते हैं हम आगे, क्या आगे चीज़ क्या पढ़ी जाती है। पिछली बार किसी वैकेंसी में शायद यूपी टेट या सुपर टेट में प्रश्न पूछे गए थे दोस्त, याद रखिएगा, अगर ये क्रम ऐसे पूछ ले, यहाँ हेल चिन्ह का प्रयोग करते, याद रखिएगा, चाहे वो छः दे दे चाहे त्रय दे दे, हल चिन्ह का प्रयोग कर दे नीचे, तो हर प्रकार का प्रश्न वाकिफ करा दे रहे हैं दोस्त, गलत मत करिएगा। क्या? गलत मत करिएगा। अगर यहाँ हल चिन्ह का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ये वर्ण क्या है, ये व्यंजन क्या है? आधे हैं। तो अगर इसका अगर पूछा जाए कि ये जो छह है हल चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये किससे किससे मिलकर बने हैं, तो याद रखिएगा तब वहाँ दोनों प्रकार के वर्णों में ही हल चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब इसके नीचे हल होगा यानी ये भी हल चिन्ह दोनों में लगेगा, दोनों का योग करेंगे तो ये बनेगा। त्र पूछ ले तो वहाँ जब हल चिन्ह लगाएगा तो यहाँ भी दोनों में हल चिन्ह लगेगा। इसे ज्ञा पूछ लेगा तो ज और इया में भी लगेगा, और स पूछ लेगा तो स और र दोनों से ऐसे ही बनेगा। हमारा कहने का आशय ये था, ये चीज़ इसका बिफ ऐसे समझिएगा। और तीसरा स्टेप क्या बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जरा ध्यानपूर्वक सुनना, पैटर्न बदल रहे हैं एग्जाम के, एग्जामिनर के मस्तिष्क पटल में क्या चल रहा है ना तो आपको पता ना तो मुझे पता, लेकिन पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। जब हम अच्छे से अपनी तैयारी कह रहेंगे या अच्छे से जब हम पाठ्य सामग्री का अध्ययन किए रहेंगे, एग्जामिनर के मस्तिष्क पटल कहीं पर भी चले जाएं, सदैव हम जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, प्रश्न अगर बदल दें और तरीका, तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इसका उच्चारण स्थान ऐसे ना लिखकर ये कैसे लिख सकता है, ऐसे छः दे दिया तो छः को ऐसे भी लिख सकता है, आधा कह मूर्धन्य सकार आधा कर देगा प्लस एस और बाहर कर देगा दोस्तों। क्या? प्लस एस और बाहर करेगा, एस आर एस और जब जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? मूर्धन्य के, और जब मूर्धन्य में एस और ये सहायता करेगा तो हलंत गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब सहारा करेगा तो मूर्धन्य सकार पूरा हो जाएगा स्वर सहित। ऐसे देखो छह त्रय की बात आएगी तो त्रय किससे बनता है? तय और क्या दोस्तों? रह से। ये भी आधा कर दे या एस और बाहर लिखे तब भी ये तरीका सही होगा, इसका इसका किससे मिलाकर बनेंगे। ऐसे क्या दोस्तों? ज्ञा, ज्ञा किससे मिलकर बनता है? जय और यहाँ से। हर तरीका बता दिए हैं अलग अलग तो गलत मत करिएगा, एस और बाहर निकाल देगा तब भी ये तरीका इसका ऐसे सही हो जाएगा, प्रश्न कोई भी आ सकता है। ऐसे क्या देगा? स्रा का, स्रा का तालब्य सकार और क्या होगा दोस्तों? र और एस और बाहर निकाल दे, तरीका कोई भी दे सकता है, इतना सा याद रखिएगा। क्या? इतना सा याद रखिएगा दोस्त। और हम बाकी की बात जो है दोस्त नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपनी तैयारी करिए दोस्त। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो साथी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा दोस्त। धन्यवाद।